दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको पता है मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल क्यों रखी जाती है? आप सभी लोगों ने टाइम कैप्सूल का नाम तो सुन ही रखा होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मालूम आपको चल जाएगा कि टाइम कैप्सूल क्या होता है। दोस्तों 5 अगस्त यही वो दिन था जब पूरा भारत जगमगा रहा था, क्योंकि इसी दिन राम मंदिर की नींव जो रखी गई थी यानी कि इसका भूमि पूजन हुआ था। ऐसे में इससे जुड़ी कई सारी खबरें आप लोगों ने लगातार सुनी होंगी और अयोध्या की भव्य सजावट भी देखी होगी। पर क्या आप इस बारे में जानते हैं कि मंदिर के 2000 फुट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा? दोस्तों हमें पता है कि इस वक्त आप सभी के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये टाइम कैप्सूल क्या है और इसे मंदिर की जमीन पर क्यों रखा जाएगा। तो दोस्तों धैर्य रखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूं कि टाइम कैप्सूल क्या है, इसे राम मंदिर के नीचे क्यों रखा जाएगा और दुनिया में सबसे बड़े टाइम कैप्सूल का भारत से क्या संबंध है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अयोध्या की विवादित जमीन पर राम मंदिर बनने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि जहां मंदिर के नीचे करीब 2000 फुट पर एक टाइम कैप्सूल रखी जाएगी। अब सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आखिर ये टाइम कैप्सूल क्या होता है। दोस्तों जैसा कि इसका नाम है वैसे ही टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे जमीन में काफी गहराई में गाड़ा जाता है, और ये टाइम कैप्सूल इतने ज्यादा सुरक्षित होते हैं कि हजारों फुट की गहराई में रखे कागजात या फिर किसी अन्य चीज को कम से कम 5000 सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे धरती फट जाए या आसमान हिल जाए या फिर उल्का पिंड ही डायरेक्ट आकर जमीन पर क्यों ना गिर जाए और चाहे हम मनुष्य जाति का विनाश ही क्यों ना हो जाए, लेकिन इस टाइम कैप्सूल को कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ, ये हर एक चीज से जूझने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि इसे बनाया इस तरह जाता है कि किसी भी चीज का इस पर कोई असर ही ना हो। अब आप सोचेंगे कि राम मंदिर के नीचे इस तरह का टाइम कैप्सूल रखने की क्या जरूरत पड़ गई? तो दोस्तों जवाब आपके सामने है। अब जैसा कि आप खुद जानते हैं कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा कि मंदिर विवादित जमीन पर बन रहा है। अब विवाद इसलिए हुआ क्योंकि लोग प्रमाण मांग रहे थे कि यहाँ पर राम मंदिर था या नहीं। ऐसे में जब यहाँ पर राम मंदिर बनेगा और कहीं हमारी बदकिस्मती से मंदिर टूट गया, तो जब इस मंदिर की जमीन की खुदाई की जाएगी तो आने वाली पीढ़ी को अपने आप ही ये पता चल जाएगा कि इस समय यहाँ पर राम मंदिर बना हुआ था और किस तरह इसे बनाया गया था। उसके साथ इससे जुड़े कई सारे इतिहास के पन्ने भी खुल जाएंगे, जिससे आने वाले समय में ये जमीन बिल्कुल भी विवादित नहीं बचेगी। इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए टाइम कैप्सूल राम मंदिर के 2000 फुट नीचे रखा जा रहा है, ताकि वो जगह हमेशा हमेशा के लिए प्रभु श्री राम की ही कहलाए। और ये पहली बार नहीं है जहां भारत में टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त 1973 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के सामने वाली जमीन के नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा था। दोस्तों आजादी के 25 साल बाद इंदिरा गांधी ने इस टाइम कैप्सूल में आजादी के बाद में हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े कुछ कागजात रखे थे। हालांकि इंदिरा गांधी ने इन कागजातों पर क्या लिखवाया था ये थोड़ा रहस्यमय विषय है, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं 1973 की टाइम कैप्सूल कैसे बनाई गई थी। पहले एक कागजात पायरेक्स ग्लास से बने एक ट्यूब में रखे गए। ये एक ऐसा ग्लास है जिसे आग से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और फिर इस ट्यूब को बाद में तांबे की एक ट्यूब में डाला गया और फिर इस तांबे की ट्यूब को स्टील के बॉक्स में बंद किया गया। ऐसा नहीं है कि टाइम कैप्सूल को बनाने की यही प्रक्रिया होती है, बस आप इतना समझ लो कि इस कैप्सूल को इसी मकसद से बनाया जाता है कि जब हजारों साल बाद इसे कोई खोले तो इसके अंदर मौजूद चीजें खराब ना हो। और कई बार विदेशों में खुदाई के दौरान आज तक कई टाइम कैप्सूल मिले हैं जिसमें मौजूद चीजें आज भी सुरक्षित हैं। जहां 30 अक्टूबर 2017 को स्पेन के एक चर्च के नीचे से ईसा मसीह की एक मूर्ति मिली। ये मूर्ति भी दरअसल एक टाइम कैप्सूल थी जिसके अंदर से कई तरह के दस्तावेज बाहर निकले हैं जो 1777 के थे। यानी कि दोस्तों अगर हम साफ शब्दों में कहें तो ईसा मसीह की मूर्ति को एक टाइम कैप्सूल की तरह इस्तेमाल किया गया था, जिसके अंदर उस समय के रहन सहन के ढंग और तौर तरीकों के बारे में जिक्र किया गया था। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया गया ताकि आने वाली पीढ़ी जब इन्हें देखे तो उन्हें पता चले कि उस समय क्या क्या चीजें प्रचलन में थी और लोग किस तरह से रहते थे। अमेरिका में भी एक टाइम कैप्सूल मिला था जो 1795 का था, जिसमें उस समय के कई पुराने अखबार थे और तो और उस समय के कई सारे सिक्के भी इसमें मौजूद है।
ये टाइम कैप्सूल अमेरिका का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना टाइम कैप्सूल था। और यही चीज इस समय श्री राम मंदिर के साथ भी की जा रही है, जहां अगर हजारों साल बाद भी कोई ये बोलने खड़ा हो जाए कि यहाँ पर मंदिर नहीं बना था, तो उसको करारा जवाब देने के लिए सारे सबूत मौजूद होंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े टाइम कैप्सूल की, जिसको अकेले बनाने में ही 4 सालों का वक्त लग गया। जी हाँ दोस्तों, पूरे 4 सालों में ये टाइम कैप्सूल जॉर्जिया में बनी है। असल में ये स्टील से बना एक मजबूत कमरा है, जिसके अंदर दुनिया भर के कई सारे महत्वपूर्ण कागजात रखे गए हैं, जो उस समय के इंसानों के जीने का तरीका बताते हैं। यहाँ तक कि इसमें एक ऐसी मशीन भी है जिसके जरिए इंग्लिश सीखी जा सकती है, यानी कि अगर आने वाले समय में इंग्लिश भाषा खत्म भी हो जाए, तो जो कोई भी इस टाइम कैप्सूल में आएगा वो आसानी से इंग्लिश भाषा के बारे में न सिर्फ जान सकता है बल्कि उसे सीख भी सकता है। और इस कमरे में मौजूद चीजों को सही सलामत रखने के लिए इसमें से हवा निकालकर एक खास तरह की गैस भरी गई है, ताकि चीजें खराब ना हो। और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कमरे में 800 किताबें हैं, और वही किताबें इस कमरे को भारत से जोड़ती हैं, क्योंकि इसके अंदर दुनिया की सबसे पुरानी योग केंद्र के फाउंडर इंडियन योग गुरु श्री योगेंद्र जी की किताबें रखी गई है, जिससे भारत और यहाँ की संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप टाइम कैप्सूल और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।